Pero más bueno, sabes, yo estaba en los seven class, la science que yo en los seven tenía transmisión of class. Acho, me la cosa, pero que tú sabes, ¿cuál es el RAM? ¿Qué se hace? ¿How does the air system edge? Pero hawa ka nizam hai ki jo ek jagah se dusri jagah hawa kis tarah chalti hai, ye nizam kaise chalta hai, iske bare mein aaj padhenge. Beta suraj ki tarah ki sakta ko garam karti hai to iske kareeb hawa bhi garam ho jati hai. To suraj ki roshni zameen tak aati hai to wo zameen ko garam karti hai. Beta jo zameen ki satah ke kareeb hawa hoti hai wo bhi garam ho jati hai. To jab hawa garam hoti hai to wo phail kar vajan mein halki ho jati hai. Aur jab ye hawa halki ho jati hai to phir ye upar ki taraf se aur qareebi ilake se thandi hawa iski jagah lene ke liye harkat karti hai. Beta jab ye hawa halki ho ke upar ki taraf uthti hai jagah khali ho jati hai to is jagah ko pur karne ke liye jo qareebi thanda ilake mein jo thandi hawa hoti hai wo jagah ki taraf aati hai jahan se ye garam hawa halki ho ke upar uthti hai. Theek hai, upar uthti garam hawa is tarah thandi jagah par pahunchkar thandi ho jati hai. Beta ye jo hawa hai ye aahista 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 upar jati hai to zameen ki satah se khaas bulandi par pahunch ke jab ye thandi tahon par pahunchti hai to phir ye dobara thandi ho jati hai. Thandi gazni hua upar uthne wali hawa ki jagah lene ke liye niche zameen ki taraf aati hai. Jab ye garam hawa wali hawa jo upar thandi hui hoti hai wo niche ki taraf karti hai, zameen ki taraf aati hai. Is tarah hawa ki convection current banti hai aur hawai nizam चलता रहता है. तो इसी तरह जो फिर जमीन के करीब जो हवा आती है वो फिर से गर्म होकर ऊपर उठ जाती है तो उसकी जगह लेने के लिए फिर से ठंडी हवा आती है. और इसी तरह ये जो निजाम है हवाई निजाम ये चलता रहता है. The heat of the sun heats up the surface of the earth and the air near it also gets. और मतलब ये जो जमीन के गिर्द जो सूरज की जो रोशनी है वो जमीन की सतह को गर्म करती है तो इसकी सतह के करीब जो हवा आती है वो भी गर्म हो जाती है. एयर एक्सपैंड एंड गेट्स लाइटर. बेटा गर्म होने से वो हवा फैल जाती है और उससे हल्की हो जाती है. सो इट राइजेस अप एंड कूल एयर फ्रॉम द वेपरिंग रीजन मूव्स टू इन टू फिल दिस स्पेस. तो ये हवा ठंडी हो गर्म हो तो ऊपर की तरफ उठती है तो इसके ऊपर की तरफ उठने से वो जो उस जगह पे जो खराब होता है उसको कवर करने के लिए जो ठंडे इलाके से वहां से हवा उसकी तरफ मूव करती है. राइजिंग वाव एयर रीचेस अपर कूल लेयर ऑफ द एयर एंड कूल डाउन. ये गर्म हवा ऊपर वाली तहों में जाकर ठंडी हो जाती है. कूल हैवी एयर सिंक टू द अर्थ इट्स कूल रिजन टू बिलो अगेन टू टेक द प्लेस ऑफ द राइजिंग एयर. तो ऊपर जो ठंडी हवा होती है बेटा वो इस गर्म हवा की जगह लेने के लिए जमीन की तरफ मूव करती है. दिस कन्वेक्शनल फ्रंट एयर सेटअप एंड द वेंट सिस्टम बोथ अप. और इस तरह से इसी मतलब निजाम की वजह से हवा का गर्म होकर ऊपर की तरफ उठना और ठंडा होकर नीचे की तरफ मूव करने की वजह से जो हवाई निजाम चलता है. बेटा आज का जो दूसरा और आखिरी क्वेश्चन है हमारा वो है समुद्री लहरें कैसे बनती है. मतलब जो लहरें होती है वो कैसे बनती है. समुद्री लहरें भी हरारत की कन्वेक्शन की वजह से बनती है. समुद्र के गर्म इलाके का पानी गर्म होकर फैलता है और हल्का हो जाता है. बेटा जहाँ पर सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ती है जो गर्म इलाके होते हैं वहां पर पानी गर्म होता है फैल जाता है और हल्का हो जाता है. ठंडे इलाके का पानी ठंडा और भारी रहता है. और जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पर पानी ठंडा और भारी रहता है. ठंडा पानी समुद्र की सतह के नीचे गर्म इलाके की तरफ बहता है और इसी तरीके से समुद्र की लहरें बढ़ती है. बेटा जो ठंडा पानी होता है गर्म पानी होता है वो ठंडे इलाकों की तरफ बहता है समुद्र की सतह के ऊपर मतलब बिल्कुल सरफेस के करीब. और इसी तरह जो ठंडा पानी होता है वो गर्म इलाके की तरफ बहता है लेकिन वो भारी होने की वजह से समुद्र के नीचे की तरफ से गर्म इलाके की तरफ आता है. ओशन करंट आल्सो सेट अप ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीट. वाटर ऑफ द हॉट रीजन हॉट एंड ओशन गेट्स हॉट. मतलब जो गर्म इलाके का पानी होता है वो गर्म हो जाता है. इट्स एक्सपैंड एंड गेट लाइटर. ये फैलता और हल्का हो जाता है. बट वाटर इन द कूल रीजन रिमेन कूल्ड एंड हैवी. लेकिन जो ठंडे इलाके में जो पानी होता है वो ठंडा रहता है और भारी रहता है. हॉट वाटर मूव्स अलोंग द सरफेस ऑफ द ओशन टुवर्ड द कूल रीजन. जो हॉट बेटा जो गर्म पानी होता है वो
along the surface of the oceans, जो समुद्र की सतह है उसके साथ साथ ठंडे इलाके की तरफ बहता है, जो कोल्ड वाटर फ्लो बिलो द सरफेस, जो ठंडा पानी होता है वो सरफेस के नीचे से, ठीक है, जो गर्म पानी होता है वो सरफेस के ऊपर की तरफ से ठंडे इलाके की तरफ बहता है, जो ठंडा पानी होता है वो सरफेस के नीचे से गर्म इलाके की तरफ बहता है। दिस वे ओशन करंट आर सेटअप, तो इस तरह जो ओशन करंट है वो अकर होता है। तो आज हमने ये 200 क्वेश्चन किए हैं, आपने इनको अच्छी तरह याद भी करना और अपने रिसर्च में भी कर लिखना। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।